नमस्कार। आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जितिया पर्व। संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए माता जितिया व्रत रखती हैं। यह मुख्य रूप से नेपाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह व्रत काफ़ी कठिन होता है। इसमें 24 घंटे से ज़्यादा समय तक निर्जला उपवास करना पड़ता है। जितिया या जीवित पुत्री का व्रत आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष सप्तमी को नहाय खाए से आरंभ होता है और नवमी को पारण के साथ समाप्त होता है। यह पर्व माता अपने पुत्र के मंगल जीवन एवं दीर्घ आयु के साथ ही सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान जितवाहन की पूजा करती हैं। माना जाता है कि भगवान जितवाहन संतान की रक्षा करते हैं। इस व्रत को विवाहित महिलाएं करती हैं। यह भी माना जाता है कि जितिया करने से पुत्र प्राप्ति होती है। इस साल जितिया पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में यह 22 सितंबर को ही मनाया जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।